तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के शो में बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने, भारत नाम पर कही बड़ी बात, कहा इंडिया दैट इज भारत आजादी के बाद आया, हर भाषा के शपथ में भारत आता है, सिर्फ अंग्रेजी में इंडिया होता है। इस तरीके की तमाम बड़ी बातें हैं जो भारत नाम को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कई बड़ी बातें कही आज तक के शो में। बीजेपी सांसद ने क्या कही, पूरी बात आप खुद सुनिए। आज भी पूजा में जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे बोलते हैं, तो यहां पर कोई किंतु परंतु का स्कोप ही नहीं। और अंत में मैं कह दूं, दोनों समान रूप से हैं, ट्रांसलेशन में दोनों का सम्मान है, पर यह भी सत्य है कि इंडिया दैट इज भारत ये आजादी के बाद आया है, उससे पहले के हर डॉक्यूमेंट में सिर्फ इंडिया लिखा है। तो इंडिया आजादी के पहले भी था, गुलामी में भी था, और आजादी के बाद भी है। भारत सिर्फ आजादी के बाद है, गुलामी के दौर में नहीं था। तो दोनों में जब भाव की बात आएगी, जब राहुल गांधी कहते हैं ना आइडिया की बात होगी, आइडिया पे लड़ाई है, तो आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ भारत में बहुत अंतर है। ट्रांसलेशन की लड़ाई है तो लड़ाई ठीक है, ठीक है। संजय जी बोल सकते हैं, इंडिया बोल लीजिए अंग्रेजी में और हिंदी में, या भारत बोल दीजिए। और एक लाइन और कह दूं, बोलिए बोलिए, समस्त भारतीय, एक लाइन और कह दूं, समस्त भारतीय भाषाओं में भारत है। आप मराठी में शपथ लें, बांग्ला में शपथ लें, आप असमिया में शपथ लें, उड़िया में शपथ लें, तेलुगु में शपथ लें, तो आप कहते हैं भारत का संविधान। सिर्फ अंग्रेजी में शपथ लेने में इंडिया आता है, तो समस्त भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व भी भारत शब्द करता है।